Look at the view. Damn. हम लोग घूमने निकले थे और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे आगे पुलिस खड़ी हुई है एंड यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड के कारण एरिया टूट गया है। अभी हम लोग 5,653 फीट की ऊंचाई पे। बादल देखो कितने पास हैं। हम लोग एक्चुअली बादलों के बीच में। जस्ट अभी नहा के निकला हूँ मैं और यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे खाना आना चल रहा है। भाई मेरे को खुशबू तो आई थी अंदर सैंडविच की आने वाला। ये कुछ पार्टी तो चालू है। क्या बात है, मतलब इंतजार भी नहीं किया मेरा और ना नॉक किया गेट पे कि है ना भाई आजा जल्दी आजा। यहाँ है चाय और यहाँ है सैंडविच बची हुई बची हुई कोई मतलब ही नहीं है भाई जनता को भाई। खाने के समय एक बार तुमने और बोला था ये भी एक एक पीस उठा लेंगे तुम। अच्छा अच्छा नहीं नहीं जस्ट अभी सोकर उठा हूँ एंड इट वाज रियली अमेजिंग। बस थोड़ा खर्राटे ज्यादा लिए मेरे साथ वालों ने तो खर खर आवाज आ रही थी। अब आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ का फूड बहुत टेस्टी है, यहाँ का स्टे मुझे बहुत अच्छा लगा बट व्यू सबसे ऑसम। दूर दूर तक पहाड़ हैं, खूबसूरत माहौल है, क्या बात है। सो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और आज हम माउंट आबू एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम रुके हैं, इसका नाम है फॉरेस्ट इको लॉज। सो बेसिकली बहुत खूबसूरत बना हुआ ये एंड आई लव दिस प्लेस। और अभी यहाँ से वादियाँ काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं। क्या सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ था बट नाउ यू कैन सी दिस प्लेस इज सो अमेजिंग। व्यू देखो आप यहाँ से, एक तरफा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे ऐसा है कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जैसे भोपाल वालों के लिए पचमढ़ी फॉरेस्ट एरिया है। सो वहाँ पे आप लोगों को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि रात में हम लोग नहीं निकल सकते अपने कॉटेजेस के बाहर क्योंकि भालू वालू और जंगली जानवर घूमते रहते हैं। वैसे भी तो अंधेरा रहता है, आप रात में कहाँ ही घूमोगे। बट द थिंग इज कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ चेयर्स लगी हुई हैं काफ़ी सारी। आई लव दिस प्रॉपर्टी एंड अगर आप यहाँ विजिट करोगे माउंट आबू तो यू कैन एक्चुअली कम हेयर विथ योर फ्रेंड्स फैमिली। ढोकला वोकला खा लिया हमने, आलू के पराठे खा लिए, अभी चाय आ रही है हमारी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप माउंट आबू आओ तो यू कैन कम एंड स्टे हेयर। लोकेशन और पेज का लिंक, मैनेजर का नंबर, मैं तीनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा तो आप लोग बुकिंग कर सकते हो एंड यहाँ के रुक सकते हो। मतलब यू विल एक्चुअली लव इट। ये बिल्कुल नेचर के बीचों बीच है जगह, जैसे अपन देखते हैं ना कि इमेजिन करते हैं ऐसा होना चाहिए, ये एक्चुअली वैसा ही प्लेस है। गर्मी बहुत लगती है और भालू को दिखता बहुत कम है। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमेशा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, तो जैसे कुछ सामने होता है तो उसको सीधा अटैक ही करना होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लेपर्ड है तो ठीक है, मतलब सेफ है, आप दिख रहा है कहीं पर तो वो अपना डिस्टेंस बना रहा, लेकिन भालू है तो आप उससे दूर रहिए, पास नहीं जाना उसके। तो ये यहाँ क्या क्रोनोलॉजी समझो आप, शेर वेर है तो कोई दिक्कत नहीं है, जय माता दी बोल के निकल जाना, लेकिन भालू है तो दूर से वापस हो जाना सही बात है ना, भी मत होना। हाँ। उसका भरोसा नहीं, पलट भी जाए वो। अच्छा पीछे भागेगा वो, चुपचाप खड़े रहे, जो करना भाई तू कर ले। वो ऐसा मैंने सुना है ऐसे डेड बॉडी की तरह लेट जाओ तो सूंघने चाहिए, सांस ले ली जरा सी। आप कह रहे हो लेपर्ड, लेपर्ड को भी तो देख के हिम्मत नहीं चाहिए कि वो क्या करेगा। पता चला भालू यूं खड़ा हो गया कि बेटा ये पहले चलता था, तू अब कितनी देर सांस नहीं लेगा मुझे ये देखना है, कितनी देर सांस नहीं ले रहा तू। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं एंड द ट्रिप इज ऑन। अभी आज पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर करके आएंगे अपन। हम लोग घूमने निकले थे और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे आगे पुलिस खड़ी हुई है एंड यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड के कारण एरिया टूट गया है। अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे, ये बहुत बड़ी ट्रबल है। तो एक्चुअली सर लोगों ने ये चीज़ की है कि कार से हमें यहाँ छोड़ दिया और दूसरी कार इस रोड के उस पार कराई है, तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि कार तक पैदल जाना है
और उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। इसी वजह से नीचे पुलिस ने हमें रोका था, जो मैंने आपको कल बताया था। और सोचो हमारे रिजॉर्ट यहाँ थोड़ा आधा किलोमीटर दूर रिजॉर्ट है, बाय चांस अगर ऐसा कुछ होता कि रिजॉर्ट आधा किलोमीटर आगे होता तो हम लोग जा ही नहीं पाते। लेट मी जस्ट शो यू यहाँ क्या स्थिति है। ये देखो यहाँ पे पूरा डैमेज पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये रोड के नीचे की मिट्टी सरक गई थी। इसीलिए यहाँ से बाइक भी नहीं जा पा रही है, कुछ भी आगे जाने नहीं दे रहे थे, और इसी वजह से हमें आज कार से जाना पड़ रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। और वैसे भी हैवी थंडर लाइटनिंग के यहाँ पे वेदर फोरकास्ट था, तो इस वजह से हम लोगों ने रिस्क नहीं लेना चाहा। और यहाँ से तो मेन सारी लोकेशन उसी साइड है। सो फाइनली लेट्स गो गाइस, नाउ वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग। फिलहाल हम जा रहे हैं गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की हाईएस्ट पीक है। कितनी दूर है भैया वो? यहाँ से 15 किलोमीटर, मेन मार्केट से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। राजस्थान की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसकी एग्जैक्ट हाइट है 5653 फीट, अगर मीटर में बोलो तो 1700। यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप हुआ है और ये ग्राम पंचायत के अंदर आता है ये वाला एरिया। तो 5 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, तो कुल मिला के 15 रुपये का हमने यहाँ पे टिकट परचेज किए हैं, और उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री मिलती है अंदर जाने के लिए। थैंक यू। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, माहौल ठंडा होता जा रहा है, ठंड लगती जा रही है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और बादल ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास में आ गए हमारे। जस्ट अभी जो मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया उसके बाद मौसम सडनली लाइक एक सेकेंड में चेंज हो गया है, ठंड बढ़ गई है, और बाहर का कुछ इस तरीके का वेदर हो रहा है, मतलब पूरी लाइट एकदम से यूं गॉन। क्या बात है, धूप चली गई पूरी। हाँ पूरी धूप चली गई और ठंड बढ़ती जा रही है ऊपर आते आते। यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान का मंदिर एक साथ स्थापित है। अभी हम लोग 5653 फीट की ऊंचाई पे जी। आप सही पकड़े चलें। ओ भाई लुक एट द व्यू, डैम जस्ट लुक एट दैट। ओ ये अब हम दूसरे मंदिर जाने वाले हैं, और सर लोग नीचे ही रुक गए थे क्योंकि बहुत ऊंचाई पे बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, तो सर लोग नीचे वाले मंदिर पे रुके हैं एंड हम ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने। सो आपको पता है वैसे भी कि भगवान के स्थल पे जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी है, बादल आसपास चल रहे हैं अपने, और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको मैगी मिल जाएगी। मैं दर्शन कर लूँ उसके बाद ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे यहाँ का, इतनी दूर तक आए तो। ये देखो इमली है, स्प्राउट्स हैं, एंड देन ककड़ी है, जाम है, पाइनएप्पल है, केरी है। तो ये नेचुरल चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। मैं दर्शन के बाद खाऊँगा बट ट्राई ज़रूर करेंगे। थकान बहुत हो रही है एंड सीढ़ी चल चढ़ के सांस फूल रही है। बादल देखो कितने पास हैं, हम लोग एक्चुअली बादलों के बीच में हैं। वो देखो वो रहे बादल, लुक एट द व्यू।
जैसे जैसे बादल ऐसे टच करके जा रहे हैं ना, ठंडी हवा लगती जा रही है बहुत ज़्यादा, एंड एकदम से वेदर चेंज हुआ है, जिस वजह से थोड़ा सा आवाज़ में भी अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। We are on the peak and just look at the view. I don't know if you people can see it clearly or not, but yahan pe niche badal hai, bahut zyada dense. इंडिया के राजस्थान में जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं, और यहाँ का मज़ा कुछ और है। और चाय बढ़िया है यार, अदरक इलायची इलायची डाल के बनाई, मस्त मज़ा आ गया, जीवन सफल है। सो गाइज, यहाँ एंजॉय करने के बाद अब फाइनली निकल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे एक मशहूर व्यू पॉइंट है जहाँ पे अब हम लोग जाएंगे, एंड वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके का है, सो दैट आप माउंट आबू आओ तो डेफिनेटली यहाँ विजिट कर सकते हो। भैया पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, भैया चीज़ें बता भी रहे हैं यहाँ की कि ये यहाँ पे फेमस है, ये यहाँ पे ऐसा है। तो कब से हो भैया आप यहाँ पे? छः पीढ़ियों से हैं यहाँ पे। गजब, मतलब इतने ज़्यादा लोकेलाइट है 6 पीढ़ियों से, क्या बात। अगर आप माउंट आबू आते हो तो विजिट करने के लिए यहाँ पे एक एक जगह दिखाने के लिए आप तनवीर भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़बरदस्ती कॉल करके परेशान नहीं करना, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा 2-3 बार हुआ है कि लोग उनको कॉल करते हैं, बोलते एडी भाई का नंबर। हर जगह शिवलिंग की पूजा की जाती है, यहाँ पे शंकर जी का दाएं पैर का अंगूठा पूजा जाता है। अब उसकी क्या खासियत है अंदर चल के आपको बताते हैं।